नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट नज़र में आया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स के बारे में। निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से अभी तक समझा नहीं गया है। यदि आप निफ्टी के वेटेज की बात करें तो निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विसेज का 34% का वेटेज है, आईटी का 16% का वेटेज है, ऑयल एंड गैस का 14% का है। तो निफ्टी आईटी और बैंक्स को यदि हम कर दें ऐड तो 51% का हो जाता है। देयर आफ्टर एफएमसीजी 7-8% का है। ऑयल एंड गैस उसके बाद आता है, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेलीकॉम, पावर, सर्विस, केमिकल, ये सारे मिल करके जो है वो लगभग 40% आता है। इस 40% को कवर अप करने के लिए आपके पास कौन सा इंडेक्स है अदर देन निफ्टी? इस 40% को कवर करने के लिए यदि आप सिर्फ इसी 40% को यदि करें तो एक तो फाइनेंशियल हो गया 34% का, 16% का आईटी हो गया, ये एफएमसीजी 7-8% को यदि छोड़ दें तो बाकी जो 40% बचा उस इंडेक्स को कवर करता है निफ्टी इंफ्रा। अब आपको लगेगा निफ्टी इंफ्रा उस 40% को किस तरह कवर करता है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका फैक्ट मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। निफ्टी इंफ्रा में यदि वेटेज पे हम बात करें तो ऑयल एंड गैस का 32% का वेटेज है, कंस्ट्रक्शन का, आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो है वो वेटेज जो है वो मैं आपसे निफ्टी से डिस्कस कर रहा था कि कंस्ट्रक्शन का 2.74 और 2.33 कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है। अब इसको कैसे कवर अप करेंगे तो आप ये समझिए कि उसका यहाँ पे 13.71% कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, यानी कि आपको सारे सीमेंट सेक्टर का आ गया, कंस्ट्रक्शन का 12.66 का है, पावर का 11.94 का है, टेलीकॉम का 11.84 का है, सर्विसेज का 6% का है, हेल्थ केयर का 2.8% का है, रियलिटी का भी 2.56 का है, कैपिटल गुड्स 2.38, ऑटोमोबाइल्स का 2% है, कंज्यूमर सर्विसेज का 1.2। इट मीन्स कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ तीन सेक्टर को यदि आप टारगेट करें तो आप ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ अदर देन एफएमसीजी, ऑलमोस्ट आप निफ्टी को कवर कर रहे हैं। देखिए, निफ्टी को आप यदि निफ्टी में ही कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है निफ्टी बीज, लेकिन यदि किसी को निफ्टी बीज में यदि इन्वेस्ट नहीं करना होता है और उसको ETF में जाना हो तो वो क्या करे, तो उसके पास क्या कोई ऑप्शन है, कोई सब्स्टिट्यूट है? तो इसका एग्जाम्पल ये होगा कि देखिए, हमारे पास निफ्टी आईटी इंडेक्स है उसका ETF है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है उसका वेटेज भी है और उसका ETF भी है, तो ये दोनों का इंडेक्स का हमारे पास है। निफ्टी इंफ्रा जो 40% को कवर करती है इन दोनों के अलावा, लकीली हमारे पास उसका भी ETF है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां उसका ETF जो है वो प्रमोट करती है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उस 40% में यदि किसी को इन्वेस्ट करना हो तो क्या उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो आप निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स पे यदि आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास वो 40% कवर अप करने के लिए ये इंडेक्स है और आप इसको ETF के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और यदि खुद आप मैनेज करना चाहें तो सिंथेटिक ETF यानी कि सेम वेटेज के साथ आप खुद भी बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, तो इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। और मैं फिर से बोलता हूँ कि निफ्टी बीज, निफ्टी का इंडेक्स को आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास निफ्टी बीज है, लेकिन निफ्टी बीज को यदि कोई रेप्लिकेट करता है तो वो ये तीनों इंडेक्स है हमारे पास, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी इंफ्रा। यदि ये फैक्ट पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मैं इस तरह के फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नमस्कार।